महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोषी साहू ने शहपुरा और डिंडौरी विधानसभा जीतने का दावा किया है। जिलाध्यक्ष संतोषी साहू ने विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया को बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में शहपुरा और डिंडौरी विधानसभा में कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी एक तरफा जीत दर्ज करेंगे और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे साथ महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोषी रामजी साहू हैं। आइए इस चुनाव की बेला में संतोषी रामजी साहू से हम बात करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है, चाहे हम सहपुरा की बात करें या डिंडोरी विधानसभा की बात करें, तो आखिर कांग्रेस पार्टी दोनों विधानसभा में कैसा प्रदर्शन करेंगे? संतोषी जी, जो यह चुनाव है विधानसभा में सहपुरा और डिंडोरी में, आपकी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी? डिंडोरी में रुद्रेश प्रस्ते मैदान में है, में है और विरोधी पार्टी विरोधी तो है ही, तैयारी कि निर्दलीय का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ जनता यह जानती है कांग्रेस और भाजपा। लेकिन अभी डिंडौरी की जनता सिर्फ पंजाब को ही जानती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारे जनता के लिए काम करती है और उनको हमेशा आगे करती है उनका सहयोग करने में, तो जनता जानती है कि हमें किसको चुनना है। तो जीत का चौका लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। सहपुरा विधानसभा से भूपेंद्र मरावी जी कितने हजार वोटों से जीतेंगे? उनका भी रहेगा, पिछली बार तो वो भी 34-35 हजार से जीत रहे थे, इस बार उनका भी 50 पार रहेगा। तो इस बार सहपुरा और डिंडोरी दोनों विधानसभा में उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी 50,000 वोटों से जीतेगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रघुनंदन चक्रवर्ती, TV24 डिंडोरी।